हाय गाइस, वेलकम बैक टू रविंद्र एकेडमी। और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज शुरू से लास्ट तक देखिए। हम कम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन है रियल नेम ऑफ तानसेन। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट ये इतने बेसिक क्वेश्चन है कि आपको पता होना ही चाहिए। रियल नेम ऑफ तानसेन, तानसेन का जो रियल नेम था वो क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका रियल नेम था। प्लस इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करते जाएंगे। तानसेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन महोत्सव कहां पे मनाया जाता है हर साल। तो तानसेन महोत्सव हर साल ग्वालियर में मनाया जाता है, ग्वालियर में, राइट। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि तानसेन की कब्र कहां पे है, टॉम्ब कहां पे है इनका। तो ये बना हुआ है ग्वालियर में। तो याद रखिएगा, जो तानसेन महोत्सव है वो भी हर साल ग्वालियर में होता है और जो इनका टॉम्ब है, कब्र है, वो भी ग्वालियर में ही बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंशिएंट नेम ऑफ महाभारत वॉस, महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो इसको पुराने नाम से जाना जाता है, जय संहिता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इंडियन स्पेस कमीशन फॉर्म्ड इन, इंडियन स्पेस कमीशन कब फॉर्म करी गई? तो देखिए, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसरो का फॉर्मेशन हुआ 1969 में इसरो को बनाया गया। इसके बाद इसरो को गवर्नमेंट के अंडर लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बोला गया इंडियन स्पेस कमीशन। एक कमीशन बनाया गया जिसे बोला गया इंडियन स्पेस कमीशन। और इंडियन स्पेस कमीशन ISC का जो गठन हुआ वो हुआ था 1972 में। और 1972 में ये जो इसरो है ये इसके अंडर आ गया, इसरो इंडियन स्पेस कमीशन के अंडर आ गया 1972 में, क्योंकि 1972 में इंडियन स्पेस कमीशन का गठन हुआ था। इसरो के फाउंडर कौन थे, इसरो के जो फाउंडर थे वो कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर थे 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। प्लस प्रेजेंट में इसरो के डायरेक्टर कौन है, न्यूज में आपने बहुत बार सुना होगा, के सिवन। ये प्रेजेंट में इसरो के क्या है, डायरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो जो रोम है वो किस नदी के किनारे है? टिबर नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबर्ग वॉज द कैपिटल ऑफ। गुलबर्ग किसकी राजधानी हुआ करती थी, किस डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी? तो वो डायनेस्टी है बहामानिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर लेक कहां पे स्थित है? तो जो मानसरोवर लेक है वो स्थित है तिब्बत में। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे 15 जनवरी। कैसे याद रखना है हमें इसे, देखिए 26 जनवरी को हमारा क्या होता है, रिपब्लिक डे, और 26 जनवरी से कुछ दिन पहले हमारा आर्मी डे मनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, याद रखिएगा 15 जनवरी। नेक्स्ट जो आठवां क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जोग फॉल के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जोग फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जोग फॉल किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है शारावती रिवर पे। जोग फॉल का अनदर अदर नाम अगर आपसे पूछा जाए, जोग फॉल को और किस नाम से जानते हैं? तो और इसे जानते हैं गारसोपा। आप अगर नेट पे सर्च करोगे गारसोपा तो जोग फॉल की ही इंफॉर्मेशन आएगी। अब
जोग फॉल है कहाँ पे, किस स्टेट में है? ये है कर्नाटका में, करेक्ट? कर्नाटका में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे ज्यादा एलिफेंट यहीं पे है इंडिया में, सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटका में ही होती है, सबसे ज्यादा गोल्ड कर्नाटका में होता है, कोलार गोल्ड माइंस, केजीएफ आपने मूवी देखी होगी। और दो इंपॉर्टेंट, एक इसका जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है नागरहोल नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा जाता है नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटका में है। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कर्नाटका में है। तो इतनी चीजें आपको कर्नाटक कर्नाटका के बारे में याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट यानी कि अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी 1526 तक लोधी डायनेस्टी का जो कार्यभार था वो संभाले हुआ था। फिर आया बाबर, फिर बाबर भाई साहब के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और इंडिया पे मुगल्स आ गए। चलिए याद रखिएगा, मोनाजाइट इज द ओर ऑफ, तो मोनाजाइट किसका ओर है? थोरियम का, मोनाजाइट थोरियम का ओर है। अब कुछ बुक्स आपको मैं लिख के बता देता हूँ, कुछ बुक्स आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। पहला बुक का नाम है बुक्स एंड ऑथर, तो पहली बुक है द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, तो द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जो बुक है वो किसने लिखी? अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम ने लिखा है द विंग्स ऑफ फायर, वो उनका ऑटोबायोग्राफी है, बट द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है एसएम खान ने। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये लिखा है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय, हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर, तो आपको क्या समझ में आ रहा है ये किस व्यक्ति से रिलेटेड है? ये उस व्यक्ति से रिलेटेड है जो बैंक से रिलेटेड हो, राइट? तो ये लिखा है डॉक्टर सुब्बराव, डी सुब्बराव ने, और ये है हमारे 22nd गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, मतलब अभी आपने देखा होगा तो नोटों पे नाम मिल जाते हैं, कोई पुरानी नोट अगर मिले आपको। द गोल्डन हाउस किसने लिखा है? द गोल्डन हाउस लिखा है सलमान रुश्दी ने, सलमान खान मत लगा दीजिएगा, सलमान रुश्दी। सिक्स मशीन, सिक्स मशीन किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से, और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यह है क्रिस गेल की। तो आज इतने क्वेश्चन करिए, अगर आपको ये पैटर्न सही लग रहा है कि कम क्वेश्चंस को लेके उसके अंदर में जो सब क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको कराता जाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी एग्जाम तक ये भी आते रहेंगे, हमारा टेक्निकल पोर्शन अलग चलता रहेगा कंटिन्यू। तो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।